प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मैं इंसुलेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के, सांख्यांकी आपके 10 नंबर की यूनिट बाय यूनिट आपको करा रहे हैं, समझा रहे हैं। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस करा देंगे, समझा देंगे। आप वीडियो देखते रहें और समझते रहें, आराम से घर बैठे बैठे पास हो जाएंगे। हम आपको 10th क्लास का टोटल सिलेबस कराएंगे, टोटल इम्पोर्टेंट हम आपको देते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या, जरा ध्यान दें। 6,12,2,0 का समांतर माध्य ज्ञात करो, हल करो, सॉल्व करो, एक ही बात होती है। आगे आप देखिए अपने आंसर या सोलूशन में सूत्र या फार्मूला क्या है आपका। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, ये कुछ चेंज नहीं है, जो हमने पिछली वीडियो में कराया वही चीज़ है। सिग्मा एक्स का मतलब होता है पदों का योग बटे एन का मतलब क्या होता है, पदों की संख्या, वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। इसलिए हमने थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर कर दिया है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। हम आपसे दोबारा रिपीट कर रहे हैं, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटे एन, ये आपका फार्मूला है, सूत्र है, बिना फार्मूले के आपका क्वेश्चन नहीं होगा। जिस तरीके से अगर आदमी के अंदर रूह या जान नहीं है तो वो आदमी या इंसान या मानव बेकार है। आगे आप देखिए अपना हल या सलूशन। सिग्मा एक्स मतलब पदों का योग, जो भी पद दे रखे हैं उनको आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए हमने लिख भी रखा है 6 + 12 + 2 + 0, तो जब आप इनको जोड़ेंगे, और एन का मतलब क्या है, पदों की संख्या, तो आपकी पद संख्या कितनी है, 4 है, तो ऊपर वालों को जोड़ेंगे क्या मिल जाएगा आपका, 12 2 14 14 6 20 20 और 0, 20 ही रहेगा, 20/4। जब आप इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, 5 4 5 20। आप वीडियो को देखते रहें, समझते रहें। अगर आपको वीडियो सही व सटीक लगती है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें।